हर कोई चाहता कि हम भी घर पर इतने टेस्टी खिले खिले नूडल्स बना के तैयार करें, बट हम नहीं बना पाते हैं। तो आज मैं आपको होटल और रेस्टोरेंट की ऐसी सीक्रेट रेसिपी बताऊंगा, इस तरह से आप एग नूडल्स बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी और खिले खिले बनेंगे। और अगर आप सीखना चाहते हैं ना, वीडियो को आपने बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो यहाँ पे मैंने हाफ बॉयल नूडल लिए हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक हाफ बॉयल एक हार्ड बॉयल। जो हाफ बॉयल होते हैं इनको बॉयल करने में टाइम कम लगता है। तो एक बर्तन में सबसे पहले आपने पानी को बॉयल कर लेना है। 2 चम्मच आप उसमें ऑयल की डाल दीजिए और जैसे पानी अच्छी तरह से उबल जाए इसके बाद आपने इसमें नूडल्स ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह से एक बार नूडल्स को ना पानी के साथ मिक्स कर लेना है। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज क्यों किया, जब आपके नूडल्स बॉयल होंगे ये आप उसमें चिपकेंगे नहीं। तो ये देखिए गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी थी जब तक यहाँ पे बॉयल नहीं आया है, और इसके बाद आपने ना गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में इनको 3 से 4 मिनट तक पकाना है। वैसे तो हाफ बॉयल नूडल्स जो है 3 मिनट में बॉयल हो जाते हैं, बट आप एक बार चेक कर सकते हैं इनको। और ये देखिए जो साइडों में झाग आता है ना इसको आपने निकाल देना है। और जो हार्ड बॉयल नूडल होते हैं अगर आपने उनको बॉयल करना हो तो उनको बॉयल करने में 9 से 10 मिनट का टाइम लगता है। कभी आप पैकिंग देखेंगे ना उनकी, तो उनके ऊपर लिखा होता है कितने टाइम तक आपने इनको बॉयल करना है। और ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं बॉयल करते हुए मुझे नूडल्स को, और इस तरह से आप प्रेस करके देख लीजिए, इनके अंदर एक लाइन जैसी होती है, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो वो लाइन जो है ना वो खत्म हो जाती है। तो इसके बाद आपने नूडल्स को छान लेना है और छानने के बाद आप इनको खुले से बर्तन में डाल दीजिए ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं। और के देखिए चम्मच की सहायता से इनको बिखेर दीजिए। बिखेरना जरूर है, इकट्ठे करके रखना है और कभी भी नूडल्स को ओवर कुक नहीं करना है। ओवर कुक करेंगे नूडल्स खाने में अच्छे टेस्टी नहीं लगते हैं। और इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा ना ऑयल डाल देना है। ऑयल से क्या होगा, ये नूडल्स आपस में जैसे ठंडे हो जाएंगे ना चिपकेंगे नहीं। और एक बार अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में नूडल्स बॉयल कर लेते हैं तो आप इनको फ्रिज में 2 से 3 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए नूडल्स हमारे ठंडे हो चुके हैं और क्या खिले खिले नूडल्स बॉयल हुए हैं। तो आगे से आप कभी भी नूडल्स बॉयल करेंगे इस तरह से आप इनको बॉयल करके देखिए। और यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, सबसे पहले हम उसमें एग तोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 अंडों का यूज कर रहा हूँ एग नूडल्स बनाने के लिए। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं ज्यादा एग का यूज भी कर सकते हैं, और अगर आप एग नहीं खाते हैं तो आप एग को स्किप कर दीजिए। साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड किया है। और इसके बाद आपने अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये देखिए एग व्हाइट और एग योक को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी सब्जियों का यूज भी करेंगे। यहाँ मैंने पत्ता गोभी लिए, आधा फूल देखिए पत्ता गोभी का लिए। इसके अंदर जो हार्ड डंठल होता है ना इसको आपने निकाल देना है क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो ये देखिए इस तरह से हार्ड डंठल को निकाल लीजिए। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कटिंग करने में, जब भी नूडल्स बनाते हैं ना कटिंग नहीं करवाते हैं। देखिए आपने पत्ता गोभी के अंदर से थोड़ा सा फूल निकाल लेना है, जोर से प्रेस कीजिए, फिर ये अच्छी तरह से सेट हो जाता है। इस तरह से आप इसकी एक बराबर कटिंग कर सकते हैं। और बिल्कुल बारीक कटिंग भी नहीं किया, देखिए मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी कटिंग की है। और आधा पीस यहाँ पर मैंने गाजर का लिया है, छोटा सा पीस आप गाजर का काट दीजिए। उसके बाद आपने गाजर को देखिए इस तरह से लंबा लंबा काटना है और इकट्ठा करके पकड़िए। इस तरह से आप गाजर की जुलियन कटिंग कर सकते हैं। और जब भी आप गाजर काटते हैं आराम से कटिंग करनी है, गाजर थोड़ी सी ना हार्ड होती है। ये देखिए गाजर भी कट गई। ये रही शिमला मिर्ची, आधा पीस यहाँ पे मैं शिमला मिर्च का यूज कर रहा हूँ। इस तरह से शिमला मिर्च को आप जुलियन काट दीजिए। और रेड येलो बेल पेपर का भी मैंने साथ में यूज किया है, लाल और पीली शिमला मिर्च भी डाली है। और एक यहाँ पे हम प्याज का यूज करेंगे, तो प्याज को भी आपने इसी तरह से काट लेना है। और इसके साथ हम थोड़ा सा हरा प्याज भी ऐड करेंगे, तो हरा प्याज भी आपने इसी तरह से लंबा लंबा काटना है देखिए, और थोड़ा सा मोटा मोटा काटना है। तो सब्जियों कटिंग हो गई। अब यहाँ मैंने एक चाइनीज बोक ली है, सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। सरसों के तेल को छोड़ के आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज यहाँ पे कर सकते हैं। और के देखिए 1 बड़ा चम्मच यहाँ मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। कढ़ाई के चारों तरफ आपने ऑयल को गर्म करके घुमाना है, कढ़ाई को थोड़ा सा सीजन कर लेना है। इससे क्या होता है कढ़ाई ना नॉनस्टिक हो जाती है। और इसके बाद हम इसका जो ऑयल है उसको निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल छोड़ना है। सबसे पहले कढ़ाई में हम अंडे ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है। सबसे पहले हम इसका ऑमलेट बनाएंगे। आप चाहे नॉनस्टिक में भी अंडों का ऑमलेट बना के तैयार कर सकते हैं अगर आप कढ़ाई में नहीं बना पाते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने अंडों को ना कढ़ाई के अंदर फैला दिया है और गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम रखी है। सबसे पहले आपने ना साइडों से ऑमलेट को पकाना है, सेंटर से नहीं, सेंटर से कढ़ाई थोड़ी गर्म रहती है। और जैसे ऑमलेट अच्छी तरह से पक जाएगा इसके बाद आप इसको फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए तो आप देख सकते हैं सेंटर से कढ़ाई का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो कलर थोड़ा सा ज्यादा आ गया इसमें। तो इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लीजिए, और फोल्ड करने के बाद या तो आप इसको चॉपिंग बोर्ड के ऊपर कटिंग कर लीजिए या कढ़ाई में यहाँ पे ना इसके टुकड़े टुकड़े इस तरह से कर देने हैं। और थोड़े सा
आपने इसके मोटे मोटे पीसेस करने हैं ताकि जब हम नूडल्स खाएं तो हमें पता भी चले कि हम एग नूडल्स खा रहे हैं वहाँ पे। इसके बाद इनको आप प्लेट में निकाल लीजिए। इसी वोक में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तो एक बड़ा चम्मच यहाँ मैंने देखिए ऑयल का ऐड कर दिया है। ऑयल को आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। जैसे थोड़ा गर्म हो जाएगा इसके बाद आपने इसमें बारीक कटवा लहसुन ऐड करना है, तो एक छोटा चम्मच आप बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दीजिए। एक आपने साबुत मिर्च लेनी है, उसको लंबा लंबा काट के ऐड कर देना है। चिल्ली काली नूडल्स बनाने हो तो इस तरह से आप उनको तड़का लगा सकते हैं। तो ये देखिए मिर्ची और लहसुन को आपने थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। इसके बाद आपने इसमें सब्जी ऐड करनी है। सबसे पहले सब्जी में आपने क्या डालना है, शिमला मिर्ची और प्याज ऐड करना है, क्योंकि इन सब्जियों में मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा होता है और इनको पकने में थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगता है। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है, लगभग 30 सेकंड तक आपने इन सब्जियों को ना हाई फ्लेम में पका लेना है। ज्यादा भी नहीं पकाना है, सिर्फ आपने का मॉइस्चर खत्म करना है। और इसके बाद आपने इसमें पत्ता गोभी और गाजर भी ऐड कर देनी है। अब जब भी आप नूडल्स बनाते हैं ना, पत्ता गोभी और गाजर को आपने ज्यादा नहीं पकाना है। इनको ज्यादा पकाएंगे तो जब आप नूडल्स खाते हैं तो सब्जियों का क्रंच बिल्कुल भी मुंह में नहीं आता है। तो इनको भी आपने हाई फ्लेम में 30 से 40 सेकंड तक ही पकाना है। ये देखिए सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके बाद आप इसमें नूडल्स ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैं एक पोर्शन नूडल्स बना रहा हूँ, बाकी जो नूडल्स हैं उनको मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख लिया है। जैसे हमारे पास दूसरा नूडल्स का ऑर्डर आता है तो हम क्या करते हैं, उनको हल्का सा माइक्रोवेव में गर्म करते हैं और इसी तरह से प्रोसेस चालू रखते हैं। तो इसके बाद आपने ना नूडल्स को सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा आपने इनको अच्छे से गर्म भी कर लेना है। अभी आपने इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं ऐड करना है। ये देखिए सबसे पहले अच्छे से सब्जियों के साथ इनको मिक्स कर लीजिए और अच्छी तरह से इनको गर्म भी कर लीजिए। नमक पहले डाल देंगे, सब्जियां पानी छोड़ देंगी। सब्जियां पानी छोड़ेंगी आपके नूडल्स खिले खिले नहीं बनेंगे। एक छोटा चम्मच देखिए मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। एक छोटा चम्मच मैंने इसमें एरोमेट पाउडर ऐड कर दिया है। एक छोटा चम्मच यहाँ पे देखिए विनेगर ऐड करेंगे। साथ में आपने इसमें एक से डेढ़ छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस ऐड करनी है। अगर आपके स्लाइड सोया सॉस हो तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं उसकी। और एक छोटा चम्मच मैंने इसमें चिल्ली ऑयल ऐड किया है। आपके पास चिल्ली ऑयल ना हो आप उसको स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह एक छोटा चम्मच भर के सीजवाइन सॉस का ऐड कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया से टेस्ट आएगा। और इसके साथ में आपने आधा छोटा चम्मच कूटी काली मिर्च ऐड करनी है, या फिर आप व्हाइट पेपर पाउडर का यूज भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से नूडल्स के साथ सीजनिंग को मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद आपने कम से कम एक से डेढ़ मिनट तक नूडल्स को ना अच्छी तरह से गर्म कर लेना है सब्जियों के साथ में। तो मैं तो यहाँ पे लैडल से मिक्स कर रहा हूँ। अगर आप इस तरह से मिक्स नहीं कर पाते हैं तो आपने दो पलटे लेने हैं और उनसे ना अच्छी तरह से नूडल्स को ना गर्म करना है, अच्छे से मिक्स करना है। और थोड़े से नूडल्स मैंने देखे बीच में तोड़ भी दिए थे, क्योंकि जो लंबे लंबे नूडल्स होते हैं ना आपस में चिपके रहते हैं, अच्छी तरह से वो गर्म नहीं हो पाते हैं। और ये देखिए अच्छी तरह से आपने नूडल्स को ना फ्राई करना है, तभी अच्छा इनमें टेस्ट आता है। घर में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिक्स करते हैं और उनको सर्व कर देते हैं, तो उसी से क्या होता है उनमें ना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से नूडल्स गर्म हो चुके हैं। लास्ट में आपने इसमें हरा प्याज ऐड करना है और जो एग का ऑमलेट हमने बना के रखा था, कटिंग करके रखा था, वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। और थोड़ा सा मैंने इसमें एग बचा लिया था गार्निशिंग के लिए। अब इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं नूडल्स के साथ में। तो इस तरह से आप चिल्ली गार्लिक एग नूडल्स बना के देखिए, जबरदस्त टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।